हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात के साथ मैं हूं रिजवान जाफर। कराची में बेनता मसाइल हैं और एक बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है। इस वक्त हम हैं नॉर्थ नाज़ोबाद के इलाके में और आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन का मंसूबा जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मंसूबे से कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। और जब कभी तरक्याती काम होते हैं तो कुछ मुश्किलात भी होती हैं, मुतबादल रास्ते बनाए जाते हैं। आवाम से हम यही कहेंगे कि आप सब्र के साथ मुतबादल रास्तों पे आगे की जानी पड़े। हम सब ने मिलकर कराची की तरक्की में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करना है। हमें खुशी है कि हमारा प्रोग्राम कराची की बात आपको पसंद आ रहा है और आपके फीडबैक से हमें ये अंदाज़ा भी हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आपको पसंद आएगा। आज हम आए हैं PAF कीट यानी पाकिस्तान एयरफोर्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी में, और PAF कीट के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो है कैरियर गाइडेंस एंड यूथ मोटिवेशन, कि आपके पास कितनी यूथ मोटिवेशन है और कितनी कैरियर गाइडेंस है कि आप अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। आपका मुस्तकबिल बहुत अजीज है, उसकी वजह यह है कि अगर आप क्लियर होंगे अपने मुस्तकबिल के हवाले से और आप जो हैं वो अपने आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा उसके बाद, तो वो आपका नहीं होगा बल्कि आपकी फैमिली का नहीं होगा बल्कि इस शहर का, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं भटक गए तो फिर आपका वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इस शहर का, इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब करना चाहते हैं। कराची ने बहुत खौफ देखा है, बहुत दहशत देखी है और यहाँ के नौजवानों का मिसयूज़ भी हुआ है माजी के अंदर। हम इसलिए आपके पास आए हैं कि ये जान सकें कि ऐसी क्या आपको मोटिवेशन दी जाए हुकूमत की तरफ से, सरकारी इदारों की तरफ से, तालीमी इदारों की तरफ से, या ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए कि आप जो हैं वो अपनी सही राहें चुन सकें, आप ना भटकें, आप किसी के हाथ में ना जा सकें, कोई आपको भटकाने की कोशिश करे अपने अपने शहर के खिलाफ, कोई आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाना चाहे, असलाह आपके हाथ में पकड़ाना चाहे, दहशतगर्दी इंतहापसंदी की तरफ लेके जाना चाहे, आप उसे मना कर दें। आप कहें नहीं, मेरे सामने एक रोशन और एक बेहतर पाकिस्तान मुझे नज़र आ रहा है, मैं तो सिर्फ उसी तरफ जाऊँगा। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी शो की जाती है, फॉर एग्जांपल जब भी हम कराची की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, इवन इफ़ यू गो अब्रॉड और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान इज़ एसोसिएटेड विद वेरी नेगेटिव इमेज। एंड आई वुड से द नेगेटिव इमेज इज़ बीन यू नो, हमने ही वो पोर्ट्रे किया है। हाउ वुड दे नो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमने ही किया है, राइट? दैट्स वाई अब्रॉड में भी ऐसा ही हो रहा है। एंड दैट्स वाई हमारे जो यूथ हैं या जो भी हमारी जनरेशन है या हमसे भी जो अभी जनरेशन आ रही है, उनको आई वुड से, जो मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, यू मे बी अग्री और डिसअग्री, वो हमेशा बाहर जाने का सोचते हैं कि हम जो हैं वो अब्रॉड में सेट हो जाएं या हमारी डिग्री ऐसी हो जाए। वहाँ तो बुरा इंप्रेशन है, बुरा इमेज है, वहाँ फिर जाना चाह रहे हैं, ये क्या वजह? नहीं, आई एम सेइंग कि यू नो, जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या किया जाए कि जो है वो हमारी यूथ मोटिवेटेड हो, राइट? मेरे हिसाब से वी शुड ऑलवेज यू नो शो द पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान। आई हैव नेवर सीन एनीवेयर इन द मीडिया वेयर यू नो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ओ यू नो व्हाट, आज ये बच्चे ने ये किया या आज ऐसा कुछ हुआ। वी आर ऑलवेज शोइंग everything very negative. Green passport, you have it in your hand and they will just, you know, keep you aside, ki please aap side pe aa jaye and aapki puri checking hoti hai and all that. So why is that? The negative image that they have is because of us. I feel humne hi unko dikhaya, unko kya pata ki yahan pe kya ho raha hai. Theek hai, jinke liye zabardast clapping honi chahiye. Ji ji, yahan pe hamare paas jo hai na kafi sare, as a youth main bolna chahti hu, as a student of engineering, कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मगर हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। मतलब इंटरेस्ट पता होते हुए भी हमारे पास टैलेंट होता है। आप काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आरफा करीम और इतने सारे हमारे पाकिस्तानी टैलेंटेड हो गए, इनको क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ से टैलेंट था मगर इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। तो मेरा ये है कि हम लोग स्टूडेंट एट द बिगनिंग स्टेज हमारे इंटरेस्ट को पहचानें और हमारा जिस
टाइप पे जो हमारा इंटरेस्ट है हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हमारी एक और प्रॉब्लम भी तो है ना कि बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, अगर आप पेंटर बनना चाहती हैं, अगर आप सिंगर बनना चाहती हैं, अगर आप क्रिकेटर या स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे यार ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है। ठीक है, प्रोफेशन तो यही है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ऐसे काफी सारे स्पोर्ट्स मैन है सर। इसके अलावा आर्टिस्ट भी अरिज अवार्ड जो इतना बाहर जाके हम लोग के मतलब कंट्री में जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो व्हाई शुड वी नॉट, मतलब हम अपने इन चीज को नेगेटिव में क्यों लेके जाएं? क्या क्या वजह समझते हैं कि ये जो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है या कैरियर गाइडेंस की तरह आपको नहीं लेके जाया जाता, आपको क्या क्या वजह क्या समझ में आती है? हुकूमत की बिल नहीं है, तालीमी इदारे हमारे जो है उनकी तरजीहात नहीं है, पेरेंट्स को इतना पता नहीं होता है, टीचर्स गाइड नहीं करते हैं, क्या वजह क्या है? जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी अकल है, उस हिसाब से मैं इसका जवाब दूंगी कि अक्सर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, काफ़ी उनके अंदर वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम उनकी प्रॉपर गाइडेंस करें, प्रॉपर उन्हें उनकी सही से उनके उन्हें सही से सीधे रास्ते पे लेकर आएं, प्रॉपर उनका एक माइंड बनाएं। ये वो नौजवान है जिसे अलामा इकबाल ने उकाबी रूह से ताबीर किया कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर इन नौजवानों को सही से गाइड किया जाए, क्लैपिंग होनी चाहिए जी। हमने अपने नौजवानों को महफूज करना है कि कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, और आपके सामने इस तरह मैं स्टार्ट में कह रहा था कि जब कभी कोई दो रास्ते आएँ, एक सही हो एक गलत हो, तो आप हमेशा सही का इंतखाब करें। कोई आपका आपको कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई दहशतगर्द तंजीम हो, कोई सियासी एलिमेंट गलत अंदाज में आपको इस्तेमाल करना चाहते हो, कोई ड्रग की तरफ लेके जाना चाहता हो, कोई किसी क्राइम की तरफ लेके जाना चाहता हो, कोई गैंगस्टर बनाना चाहता हो, मतलब देखिए ना ये सब हमारे माशरे का हिस्सा है, यहीं से नौजवान बनते हैं ना। इवन हमने देखा कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं हमारे जो कि अप्लाइड फिजिक्स से पढ़ रहे थे या जिन्होंने आईबीए से ग्रेजुएट हुए, उन्हें भी इस्तेमाल किया गया उन नौजवानों को, और वो दहशतगर्दी की वारदातों में नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकेगा कि आपको इतनी मोटिवेशन मिले, इतना ज़बरदस्त आपका कैरियर हो कि आप इस तरफ ना जाएं? मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो मेन गलती इस वक्त जो है वो ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो कि किताबों में लिखा हुआ है, मतलब साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, जो भी है, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंजीनियरिंग, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो हमारे बैचलर्स के अलावा जो हमारे पास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सिर्फ भी बातें बता रहे हैं जो कि भाई ये रिएक्शन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हम उनको सिखा नहीं रहे। सिखाना इज समथिंग एल्स, जिस तरह हजरत अली का को जो कॉल है कि जिसने मुझे एक चीज़ सिखाई गोया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो जब अगर वहाँ का एक स्टूडेंट अपने टीचर के लिए जज्बा रखता है, हमारा यहाँ का स्टूडेंट नहीं रखता, हमारा यहाँ का स्टूडेंट अपने टीचर को बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारा टीचर अपने स्टूडेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देता, करवाई जाती है वो चीज़ नहीं दे सकता जो वो देना चाहिए उसको। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, जबरदस्त इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा सर इस बात पे रोशनी डालना चाहूँगा कि कैरियर गाइडेंस के ऊपर बात हो रही थी, पिछले दिनों में पढ़ रहा था, वहाँ जर्मनी के बारे में गालिबन वो बात थी, बताया गया था कि वहाँ पे जो प्रेप की क्लासेस के बच्चे होते हैं जब वो स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वहाँ टीचर्स क्या करते हैं, उनके सामने डिफरेंट तरह के खिलौने रख देते हैं, उसमें ब्लॉक्स भी होते हैं, उसमें गाड़ियाँ भी होती हैं, उसमें डॉक्टर सेट भी होता है। अब वो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चों को वहीं से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इस बच्चे का पर्टिकुलर टैलेंट किस तरफ है, आइदर ये आगे जाके ब्लॉक से खेल रहा है, ये इंजीनियर की तरफ जा रहा है, या ये डॉक्टर की तरफ जाना चाहता है, हमारा इसका बड़ा फकदान है। और दूसरी बात ये कि इसके नुकसान क्या होते हैं और क्यों नहीं कर पाते, तो सबसे बड़े मुजरिम हम खुद हैं, हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं जानते। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि ज़बान के तल्ख दिल के प्यारे होते हैं, ज़बान के तल्ख दिल के प्यारे होते हैं, ज़रा ज़रा से मुनाफिक तो सारे ही होते हैं। तो हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं देखते, और जब ये होता है कि हमारा हम अपना कैरियर से इतना चूज नहीं कर पाते, और जैसे आपने किसी ने कोई बनना चाहता था एक्टर, अब वो आ गया इंजीनियरिंग साइड पे, अब उसको 4 साल सिर्फ यही फिक्र खाई जाएगी कि अगर मैं इस शादी में जाऊँगा या मैं इस बर्थडे पार्टी में जाऊँगा तो फलानी आंटी या फलानी अंकल मुझसे मेरी GPA ना पूछ लें,
या मुझसे पूछना बेटा आपका रिजल्ट आया हुआ, क्या रिजल्ट आया, ये भी एक बड़ा मकसद है हमारा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम वो चीज़ उस फील्ड में जाएं जो हम जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी लेकिन मैं आजकल एक मीडिया फील्ड में हूँ, मैं मीडिया फील्ड में हूँ लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के मीडिया में आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था। तो आजकल जो मेरे हिसाब से डिग्रीज जो हैं, भले वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, इंटरेस्ट आपका था तो क्यों आपने इधर एडमिशन लिया? मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था ना उस वक्त, जिसने मुझे प्रॉपर गाइड किया हो कि बेटा आपका इंटरेस्ट इस तरफ नहीं, आपका इंटरेस्ट इस तरफ है। हम नाइन्थ में आए, हमें बस यही सिखाया गया बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर हैं। मैट्रिक में आए बेटा अच्छा ग्रेड ले लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अच्छे कॉलेज में आए बेटा अच्छा ग्रेड नहीं आया तो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और इसको इंडोर्स करना चाहूँगा कि पीएफ कीट ने ये स्टेप लिया है इस तरीके से कि आज आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट इंजीनियरिंग एग्जीबिशन के अंदर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं। तो वो बच्चे जो स्कोप रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम आगे जाके इंजीनियर्स बने, तो उनको प्लेटफॉर्म पीएफ कीट ने दिया है कि आप आइए विटनेस कीजिए कि इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल लाइफ यूनिवर्सिटी किस तरह होती है और किस तरह काम किया जाता है और आगे क्या क्या स्कोप है। जबरदस्त इनकी मदर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं वो कारामत और मुफीद बन जाएं, तो उसके लिए आज ही से जद्दोजहद का आगाज करें और इतनी भरपूर जद्दोजहद हो आपकी कि जो इमेज की बात प्रोग्राम के आगाज में आई थी कि हम सब मिलकर अपने मुल्क का इमेज बेहतर कर सकें। तो मुझे बड़ा मज़ा आया आज, पीएफ कीट के स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया और टीसीएफ स्कूल की जो गर्ल्स, टीसीएफ कॉलेज की जो गर्ल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आपने भी ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, वहाँ पे फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए होनी चाहिए उस पर कब्जे हो रहे हैं। एक लेन की अगर पार्किंग है तो दो लेन में गाड़ियां खड़ी हैं, तीन तीन लेन में खड़ी हुई हैं। मुझे अल्लाह पाक से पूरी यानी उम्मीद है क्योंकि हमारी नीयत है कि हम इस शहर को एक सेहतमंद और एक खूबसूरत लुक दें। करने आज हम आए हैं कमिश्नर कराची एजाज अहमद खान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ब्लेस यू, आपकी दुआ है। कराची का क्या हाल है? कराची का हाल अपना दिन ब दिन मतलब बेहतर होता जा रहा है। बेहतर होता जा रहा है, चलें तो बड़ी अच्छी बात है कि कराची का हाल दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। आवाम जिन मुश्किलात का शिकार है कराची में, तो अगर किसी को मिसाल के तौर पे ट्रैफिक का इशू हो, ट्रांसपोर्ट के मामलात हो, पानी का इशू हो, या सेवरेज के मसाइल हों, सड़कों के मामलात हों, तालीम है, सेहत है, तो किसके दरवाजे पे जाएं? मेयर के दरवाजे पे जाएं या कमिश्नर कराची के दरवाजे पे जाएं? नहीं, ये इसमें हर काम के लिए एक मखसूस महकमा या डिपार्टमेंट या एजेंसी, उसकी वो कोर रिस्पांसिबिलिटी है। वाटर एंड सेवरेज का अगर कोई हो तो उसके लिए बाकायदा मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, इज अ ग्रेड 20 का जो है मत ऑफिसर है और वो पूरे बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका एग्जीक्यूटिव हेड है। बट एट द सेम टाइम जो मेरा आई मीन ऑफिस है उसका ये काम है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई लाइन डिपार्टमेंट या सरकार की एजेंसी अगर पब्लिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए आई मीन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दी अपना डिवीजन, फिर मेरा ये काम है कि अगर मेरे पास कोई आती है आई मीन कंप्लेंट जो कि मतलाती रहती हैं, तो आई स्टेप इन और उसमें मैं जो भी आवाम को यानी हमें रिलीफ हो सकती है वो मैं अपना देता हूँ। कमिश्नर साहब ये फरमाएं कि जो एक बड़ा मसला शहर में अम का रहा है और एक्सट्रीमिज्म एलिमेंट जो हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो हैं या जो दहशतगर्द हैं या जो ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे कहीं भी कोई क्राइम करके छुप जाता है या मुल्क से अगर लोग माइग्रेट करके और ख़ासतौर पर इस तरह के लोग अगर कराची आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो है वो काम हुआ है और कराची के देरपा अम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरफ फोकस हो? सबसे जो आई मीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो एक अच्छा नया कानून जो है जो सरकार ने लागू किया है वो है किराएदारी एक्ट, और उस पर जितना ज़्यादा हम सख्ती के साथ यानी आई मीन अमल करेंगे तो जो भी न्यू मतलब एक इनकमिंग है मतलब आदमी है, चाहे वो किसी वो छोटी मत बस्ती में आ रहा हो या किसी बड़ी मतलब मतलब पौश आबादी में, उसमें अगर वो सिविल सोसाइटी अगर थोड़ा मतलब वाइब्रेंट रहे और थोड़ा प्रोएक्टिव रहे, तो मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी के साथ वो आकर यहाँ अपने आप को नहीं, उसमें क्या ज़रा डिटेल फरमाया ना, मतलब कोई अगर किराए पे मकान लेना चाह रहा है, दुकान लेना चाह रहा है, दफ्तर लेना चाह रहा है, आप उसकी उसके आप सारे आपका वाइफ जो है मतलब इंफॉर्मेशन अपने जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के साथ
या जो भी आपके यहाँ पर एसी साहब हैं उनके साथ आप शेयर करें, वो फिर हम पुलिस को हम भेज देंगे। और इन केस अगर उनको अगर शक होगा या कोई इस तरह की उसका डाटा ये बताता है कि ये आदमी कहीं पर है, मतलब वांटेड है या अब रिक्वायर्ड है, या जो अवेलेबल हमारे पास है डाटा उससे मैच करता है वो, तो उसकी अपना तादी जो है मत कार्रवाई हो सकती है। ये फ़र्क पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, इंतहा पसंदी की बात करें, ये सब चीज़ें में कराची से अगर आप 4-5 साल पहले से कंपैरिजन करें तो बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इसको हम कराची के मुस्तकबिल के हवाले से बात करना चाहें, क्योंकि सबसे बड़ी तशवीश यही पाई जाती थी आवाम के अंदर, क्योंकि एक वक्त था कि सड़क चले नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, तालीम नहीं चाहिए, सेहत नहीं चाहिए, लोग ये बोलते थे भाई अमन दे दो सबसे पहले। तो आप ये अब तो दूसरी चीज़ों पर बात हो रही है भाई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ना इना लॉन्ग रन अगर हम सोचें, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले सोचें, तो क्या हमने कराची को वाकई एक पुरअमन शहर बना दिया? अभी हमें और वक्त काफ़ी जो है वो लगेगा। यानी देखें ना, जब लॉन्ग टर्म हम बेसिस पर कोई हम सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ये जो चीज़ है ये एक तरह का अपना कैंसर है। ठीक है, इसका जब तक आप आखिरी जर्म नहीं मार देते, आपको वो डर लगा रहता है कि ये अब देखें ना, जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे तो शहर की आउटलुक को आपने खूबसूरत बनाना है, ना कि जो इसकी आउटलुक को देखकर एक खौफ का अंसर पैदा होता है उससे तो हमने जान छुड़ानी है ना। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कराची में को करिकुलर एक्टिविटी या कहना चाहिए कि ऐसी सरगर्मियां जो कि स्पोर्ट्स है या होती रही, लेकिन वो उनका लेवल कोई बहुत ग्रैंड लेवल पे नहीं जा सका। आप क्या समझते हैं कि अब ये भी वक्त आ गया है कि PSL का मैच यहाँ होना चाहिए और वो उसका वादा अब होगा, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे होने चाहिए, बड़े लेवल पे कॉन्सर्ट्स होने चाहिए, आलमी मुशायरा यहाँ पे हुआ है लेकिन और ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए, ये सब चीजें जब होंगी तो और बेहतर मामला होगा। ना सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए बल्कि अगर आप रिकॉल करें तो कई सालों पहले यहाँ कराची के अपने मकामी सतह पर इतने फेस्टिवल और टूर्नामेंट्स होते थे कि जो कि आप आए दिन आप अखबारों में आप देख रहे होते थे कि कहीं पर कोई अपना क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं पर हॉकी का जो है मतलब टूर्नामेंट हो रहा है, और उन्हीं टूर्नामेंटों में से हमें बड़े बड़े आई मीन नेशनल प्लेयर्स मिले थे उस ज़माने में। तो नाउ इट्स टाइम, मैं अभी इंशाल्लाह आगे मतलब मौसम भी अच्छा आ रहा है तो काफ़ी ग्रैंड स्केल पर स्पोर्ट्स की आई मीन एक्टिविटीज़ को आई मीन एक्टिवेट करने में जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ बीइंग चेयरमैन ऑफ दी कराची आर्ट्स काउंसिल, वहाँ भी मैंने उनको आई मीन एडवाइस किया है कि थोड़ा गो के वो पहले ही एक मत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक उनसे मैंने उनको यानी आई मीन एडवाइस किया, तो आप इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे कि वो भी मैं आने वाले मतलब लेट्स से वीक्स में वो भी शुरू करने वाले। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, वहाँ पे फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए होनी चाहिए उस पर कब्जे हुए हैं, और ऑफिशियल मीटिंग तक में डिस्कस होता है कि जनाब कितना जो भत्ता है वो आता है उन जगहों से, और बहुत अफसोसनाक बात है ये। तो वो फुटपाथ खाली होना, फिर उसके बाद एक लेन की अगर पार्किंग है तो 2 लेन में गाड़ियां खड़ी हैं, 3-3 लेन में खड़ी हुई हैं, वो रोड जो कि 4 लेन का 5 लेन का भी है, कराची में बहुत बड़े बड़े रोड हैं लेकिन पता चला 1 लेन 2 लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इस पर तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि ये मामला ठीक हो जाता है, और वो जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट है या वहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं उनके लिए सस्ते बाजार लॉन्च हो सकते हैं, उनके लिए इतवार बाजार, फ्राइडे बाजार, किसी मैदानों में उन्हें जगह दिया सकती है, लेकिन वहाँ से तो खाली करना है। अब ये आप मतलब बड़ा अच्छा वो सवाल किया। अब ये है कि अब इस वक्त जो है ना कराची 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 6 के 6 आई मीन डिस्ट्रिक्ट में एक साथ इस अजाब को अगर हाथ डाल देंगे तो वो बजाय कोई चीज़ हल होने के वो कोई मतलब और सूरत इख्तियार कर लेगी, तो उसका बेहतरीन जो तरीका मेरे जहन में आ सकता था, मैंने ये जो सदर टाउन को एज ए मतलब मॉडल टाउन के तौर पर जो मैंने ये स्कीम शुरू की है, तो उसमें 5-6 चीज़ें जो है अपना शामिल हैं, जिसमें सैनिटेशन, मतलब ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इनक्रोचमेंट, ट्रैफिक,
तो इनक्रोचमेंट उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका सेगमेंट है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो थोड़ी थोड़े अरसे के लिए होता है, फिर दोबारा वही हो जाता है। कई बार ऑपरेशन हुए हैं। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जब तक वो सस्टेन नहीं होगा मैं उसको अपने जारी रखूंगा, एक महीना, दो महीना, तीन महीने। जब मैं ये देख लूंगा कि ये अब अपनी मतलब जड़ पकड़ गया, तो फिर किसी हम दूसरे टाउन की तरफ हम जाएंगे। और मुझे अल्लाह पाक से पूरी यानी आई उम्मीद है, क्योंकि हमारी नीयत है कि हम इस शहर को एक एक सेहतमंद और एक खूबसूरत लुक दें। खैर, थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कराची के शहरियों की तरफ से कहेंगे आपको थैंक यू वेरी मच। कराची के मुस्तकबिल के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं हम उन ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहे कि जो जो कराची के अम के लिए नुकसान दें। आरडीए लॉ जो होता है, जो हमारे गवर्नमेंट इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो लेती हैं चैरिटी के पैसे और बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस में उनको मिलते भी हैं, तो ये आरडीए लॉ जो है। नाज़रीन, आज हम एक इवेंट में आए हैं, जैसा कि इवेंट कवरेज करते हैं कराची की बात में, इंडिविजुअल लैंड के ज़रिए तमाम सिर्फ चैरिटी पे बात हो रही है। डिफरेंट मीडिया पर्सन्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि सिर्फ चैरिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर ये पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ वो इदारे जो बड़े पैमाने पर चैरिटी देते हैं उन्हें क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे। समीर हमारे साथ हैं, पीटीवी पे आप एंकर हैं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लगा वैसे आज आपको ये डिस्कशन जो हुई, ये सब्जेक्ट आप समझती हैं इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट? रिजवान, आज का जो डिस्कशन था ठीक था, इसमें ये था कि एक हमारा जो है बहस मुबाहसा भी हुआ, मदरसास को लेके भी बात हुई चैरिटी के हवाले से कि स्टेप चैरिटी किस तरीके से हम ये कहाँ जाती है अगर हम देते हैं, इवन कुर्बानी के खालों वगैरह उनको भी लेके हमारा डिस्कशन हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जो बड़े इदारे होते हैं जैसे शौकत खानम है, या मैं नाम ले रही हूँ उनके, या सहारा है दूसरे, तो लोगों के यहाँ पर ये सवाल थे कि भाई जो पैसा जाता है तो हमें कैसे पता चले कि वो हमारा जो दिया हुआ पैसा है जो हम चैरिटी देते हैं वो किधर यूज़ होती है, कहाँ जाती है। ये सवाल पूरे पाकिस्तान का ही, लेकिन अगर हम कराची पे फोकस होकर बात करें तो कराची के मुस्तकबिल के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं हम उन ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहे कि जो जो कराची के अम के लिए नुकसान दें, और आवाम जो है अपने भोलेपन में या उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ पैसे दे रहे हैं और वो उन्हीं को ताकतवर बना रहे हैं कि जिन्होंने कराची का अम खराब करना है, तो क्या किसी को इतनी अवेयरनेस होती है कि वो ये फैसला कर सके पैसे निकालते वक्त, चाहे इंडिविजुअल हों चाहे इदारे हों, कि हमने जो है वो कहाँ पैसा देना है, ये कहीं किसी 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 नेगेटिव जगह पे तो नहीं चला जाएगा, नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, या जो इस किस्म के काम करते हैं, मे भी इस तरीके से होता भी हो जाता हो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस नाम ऐसे रख लेते हैं कि लोग जो है ना खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं और उनको दे देते हैं कि यार अगर इनका नाम ऐसा है तो हम दे दें, या एक चीज़ होती है मोटिवेशन, मोटिवेट करते हैं वो ना, लोगों को मोटिवेट करने का भी उनको तरीका होता है। बात यह है कि क्या लोग खुद नहीं अवेयर हैं, उनको पता नहीं है कि अगर हम खाले दे रहे हैं, वही मैंने यहाँ पे बात की थी कि वो खालों को लेके बड़ी बात हुई है यहाँ पे, तो अगर कराची की हम बात करते हैं तो कराची में यह है कि किस प्लाजा में कितने बकरे आए हैं, कितनी वो क्या बोलते हैं गायें आई हैं, वो भी पता होता है लोगों को, और वो अपनी मर्ज़ी से किसी को दे नहीं सकते हैं। चलो ये बात अलग कर लेते हैं, चैरिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये है कि आप लोग चेक एंड बैलेंस रखें। और मैं दूसरी जो बात मैंने ऐड करवाई यहाँ पे, आरटीए लॉ जो होता है, जो हमारे गवर्नमेंट इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारा राइट होता है कि हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम कर सकते हैं किधर गया, तो ये आरटीए लॉ जो है ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लेती हैं चैरिटी के पैसे और बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस में उनको मिलते भी हैं, तो ये आरटीए लॉ जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो सरकारी नहीं हैं उनके लिए भी ये लॉ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोहिल इंतखाब हमारे साथ हैं, न्यूज़ एंकर हैं आप। रोहिल, क्या कहना चाहेंगे, ये सब्जेक्ट क्या आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना, इस तरह के प्रोग्राम्स होना, फिर इसके अलावा और भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? चैरिटी की हम बात बिल्कुल करते हैं, हम एज ए इंडिविजुअल भी चाहते हैं कि हम कुछ डोनेट करें, लेकिन वही वाली बात है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमारा पैसा जाएगा कहाँ,
ट्रस्ट का बड़ा लैक है, जो रजिस्टर्ड एनजीओज हैं उन्होंने क्या काम किया, तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको आइडेंटिफाई कीजिए, कैंपेन चलाइए, मार्केटिंग कीजिए। आप मैं हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो काम कर रहे हैं जिन्होंने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, तो सरकार का रोल आ जाता है बीच में, उनको देखना पड़ेगा, थोड़े से मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा, एनजीओ पे पैसा जाता कहाँ है, उस पैसे से क्या मामला होते हैं, आपको पता है, सबको पता है, क्योंकि मीडिया का दौर है, लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन बहुत अच्छा भी काम हो रहा है, अगर हम चैरिटी की बात करें तो एक एक तरफ जहाँ नेगेटिव बातें की जाती हैं, वहाँ पॉजिटिव भी बात करनी चाहिए कि चैरिटी के पैसों से बहुत से इदारे, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तालीमी इदारे चल रहे हैं, हेल्थ के आप इदारे देखे चल रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो वो जो हैं ऐसे इदारे कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा या डिसअग्री नहीं कर रहा, ईदी साहब का नाम दुनिया भर में मकबूल है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, फिर उनकी जो उनके ईदी की बात करें, इंडस हॉस्पिटल की बात करें, SIUT की बात करें, इसी तरह तालीमी इदारे बहुत सारे, इतने ज़्यादा नाम है मैं किसको गिनवाऊँ, लेकिन मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है इस फोरम से, गवर्नर सिंध हमारे बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के मामला जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे CM सिंध बहुत अच्छे हैं, वो मामला जानते हैं, वो बहुत बेहतर ये मामला कर सकते हैं, खुसूसन क्योंकि सिंध को लेकर बैड गवर्नेंस की बातें की लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीदें इन लोगों से कि आने वाले दिनों में ये चैरिटी के हवाले से ये इन्फ्लेशन होंगे गवर्नमेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ फिजा शकील साहब मौजूद हैं, मीडिया पर्सन हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं। फरमाइए कि सेफ चैरिटी, वैसे तो चैरिटी पाकिस्तान जब से बना है, जब से लोग दे रहे हैं, ठीक है, इवन अगर हम 47 की बात करें तो बड़े तादाद में हुकूमत को भी चलाने के लिए जो है लोगों ने जो है उसे चैरिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन हुकूमती मदद की, लोग अपना पैसा निकालते हैं, ये सब्जेक्ट अभी आया है कोई 2-3 सालों के अंदर हम देख रहे हैं ज़्यादा, तो कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाफ़र, क्योंकि उसकी वजह ये शायद है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं उन पर गालिबा हमारी नज़र नहीं रहती, लेकिन आप से बेहतर जानते हैं कि पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस ये है कि पाकिस्तान या इस जैसे और दूसरे 2-3 ममालिक कि यहाँ से बहुत सी मनी ट्रेल ऐसी है जो आप ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये वाले एलिमेंट्स जो हम अपने मुल्क में तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी आप जिस तरह फरमा रहे हैं चैरिटी होने से सोशल लेवल पे कोई तब्दीली नहीं आई, गुर्बत में कोई कमी नहीं आई, बच्चों की सेहत कोई इम्प्रूव नहीं हुई, ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स को भी सामने रखना ज़रूरी है, उसकी वजह से आप पे बहुत सारी मुसीबतें नाजिल होती हैं, सैंक्शंस भी आती हैं, आपकी फंडिंग भी कट डाउन होती है, आपका एक इमेज है, बहुत सारी चीज़ें। आपने बड़ा सेंसिटिव बात की और बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मीडिया पर जाना भी बड़े ज़रूरी है बात। सवाल यही उठता है कि भाई अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी करना भी पैसे का काम है, पैसे के बगैर दहशतगर्दी भी नहीं हो सकती, जो वेपन्स हैं वो कितना महंगा है, जो गाड़ियाँ वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी महंगी हैं, जो 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 उनके उनकी अपने अखराजात हैं वो कितने ज़्यादा हैं, तो वो जो सारा टेरर फाइनेंसिंग है वो हो कहाँ से रही है? हम बींग पाकिस्तानी और एजुकेटेड पाकिस्तानी बहरहाल इस पे नज़र फ़र्ज है हमारा, ये हमारा दीनी फ़र्ज भी है, अगर माशरती और बैनुल अक़वामी फ़र्ज है तो ये दीनी फ़र्ज भी है कि इन सब चीज़ों पे आपकी नज़र हो, क्योंकि पैसा आपने अच्छी नीयत से दिया, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, किसी की जान लेने पे, किसी को माजूर बनाने पे, किसी को पूरी ज़िंदगी के लिए बेकार करने के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या समझती है कि गवर्नमेंट जो है इस पर कोई रजिस्ट्रेशन का अमल या बिल्कुल एक क्लैरिटी लेकर आए कि जनाब अनाउंसमेंट हो कि भाई ये हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, यही सिर्फ चैरिटी ले सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं ले सकता, ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि जितनी भी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं, क्या ही बेहतर हो कि वो पनामा केस और इस केस और उसके केस के बाद प्रेस ब्रीफिंग से बेहतर है कि अपनी मिनिस्ट्रीज पे जोर दें, काम करें और इंश्योर करें कि पाकिस्तान का एक एक शख्स उनकी जिम्मेदारी है, वो ये जिम्मेदारी आज पूरी नहीं करेंगे तो मेरे मुँह में खाक, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सेफ चैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कराची दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा चैरिटी दी जाती है, इसके साथ साथ एक पॉजिटिव बात भी है कि कराची उन शहरों में भी शामिल है कि जहाँ पर चैरिटी के ज़रिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, वो काम कि जो हुकूमत के करने के थे, चाहे वो हेल्थ के शोबे के हों या तालीम के शोबे में हों, वो चैरिटी के ज़रिए किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये फ़र्क कि कौन बेहतर काम कर रहा है कौन बेहतर काम नहीं कर रहा है ये वाजे नहीं होता, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कराची में, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी कराची में दी जाती है और खदशात मौजूद हैं कि कहीं वो चैरिटी जो है वो लोग अपनी मासूमियत में
उन लोगों को तो नहीं दे रहे कि वो पैसा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग में जाके लगे, वो पैसा जो है वो कराची के देर पर अम के लिए नुकसानदेह हो, कराची के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो। तो इस सिलसिले में जहां मीडिया को मीडिया हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, इसी तरह और भी मीडिया में इस पर बात आनी चाहिए, एनजीओ सिविल सोसाइटीज़ में अपना रोल अदा करें और कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर काम करें और ये सवाल उठाएं कि सेफ चैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग जो हैं वो चैरिटी देते हुए, इदारे चैरिटी देते हुए एक लम्हे को सोचे ज़रूर कि कहीं ये चैरिटी जो पैसा हम दे रहे हैं कहीं वापस मुड़कर हमारे शहर हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह ना हो जाए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हादसात कराची में होते हैं और कराची में सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं और मोटरसाइकिल सवारों में सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप इस मुल्क का असल सरमाया हैं, आप बहुत कीमती हैं। जब आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें तो कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर कीजिए। एक तो ज़रा सुकून से आराम से मोटरसाइकिल चलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोटरसाइकिल सवारी में है वो ये है कि आप सिग्नल ना तोड़ें, दूसरा आप रॉन्ग साइड पर मोटरसाइकिल ना चलाएं और तीसरा हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप अपने घर का मुस्तकबिल हैं, आप बहुत लोगों के प्यारे हैं और आपकी जान बड़ी कीमती है। हमें खुशी है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है और कराची की बात का फीडबैक ज़बरदस्त मिल रहा है। हम इसी तरह अपना फीडबैक भेजते रहिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जो हकीकत है वो मीडिया दिखाता है और ज़रूर दिखानी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए। हमारे पास मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, हमारी बाउंड्रीज हैं और हमारे पास एक इदारा है जिसका नाम है पैमरा। मीडिया के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि पैमरा के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो कि मुकर्रर हैं तो उनके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन अगर शुरू करें। मीडिया अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन एग्जैजरेट करना थोड़ा कम कर। कराची शहर की जो असल पहचान थी वो तालीम थी। जो वैल्यूज़ हो पैदा करनी होती हैं बच्चे के अंदर, वो वालदैन को और असातिज़ा को पैदा करनी होती है कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है वो आपकी आपका अपना ईमान है। आप क्या कर रही ख़वातीन के लिए, आप क्या कर रही हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दे रही हैं? मेरा शुरू से एक मतलब मोटिव